الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا अल्लाह अकबर अल्लाकबर अकबर अकबर व ला हमद अल्लाकबर वजल अल्लाकबर अलामा हदाना अकबर कबीरा अकबर कबीरा अकबर अल्लाकबर वजल अल्लाकबर व्ला हमद बेहतरीन आयाम और बेहतरीन आमाल के सिलसिले में आज हम बेहतरीन ताल्लुकात और अखलाकियात के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम सबसे पहले के साथ नेक सलूक के बारे में पढ़ेंगे कुरान मजीद में बारह वाल के साथ हुसन सलूक का हुक्म दिया गया है एक जगह परेश फरमाया और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वह अपने माँ बाप के साथ भलाई करे उसकी माँ ने तकलीफ के साथ उसको पेट में रखा और तकलीफ़ के साथ उसको जन्म दिया और उसका दूध छुड़ाना तीस महीने में हुआ यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी को पहुँचा और चालीस बरस को पहुँच गया तो वो कहने लगा ए मेरे रब मुझे तोफ़ी दे कि मैं तेरे एहसान का शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर किया और मेरे माँ बाप पर किया और यह कि मैं वो नए कमल करूँ जिससे तू राजी हो जाए वह अन आरदा हो और मेरी औलाद में भी मुझे नेक औलाद अता कर मैंने तेरी तरफ़ रुजू किया और मैं फरमा बरदारों में से हूँ फरमाया ये वो लोग हैं जिनके अच्छे अमाल को हम कबूल करेंगे और उनकी बुराइयों से दरगुजर करेंगे वो अहले जन्नत में से होंगे सच्चा वादा जो उनसे किया जाता था ये सूरत अहकाफ की आयत का तर्जमा आपके सामने मैंने रखा है जिससे पता ये चलता है कि इंसान के नेक आमाल में सर फहरिस्त अल्लाह सुबहान इबादत के बाद वालदेन के साथ उसने सलूक है और फिर इस बात की दुआ करना कि अल्लाह मुझे नेक अमाल की तोफ़ीक अता कर और खूस उस उम्र में जब इंसान चालीस बरस का हो जाता है तो उसकी मसरूफ़ियात बहुत बढ़ जाती बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं कारोबार और काम की मसरूफियत भी होती है दूसरी तरफ़ वालदेन बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे में फिर वालदान की तरफ तोज्जो करना जबकि अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाएँ, ये नेकी का अली तरीन दर्जा है तो बेहतरीन ताल्लुक़ में सबसे बेहतरीन ताल्लुक़ जो हमारा होना चाहिए किसी के साथ उनकी ज़िंदगी में और उनकी मौत के बाद उनके साथ ताल्लुक़ वो वालदे हैं और वो सबसे ज़्यादा इसके हकदार हैं और उनमें से भी दोनों में से माँ का हक़ ज़्यादा है क्योंकि उसकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं माँ बाप ही हमें इस दुनिया में लाने का सबब बनते हैं हमारा ये वजूद माँ बाप का मरहून मन्नत है लिहाजा हम पर वालदान का जो एहसान है वो किसी और का एहसान नहीं है वैन के बाद बेहतरीन अमल रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक सला रह है फिर अपने ही घर वालों के साथ फिर ूमी तौर पर ख़ुती के साथ उसने सलूक बेहतरीन अखलाक फिर अपने साथियों दोस्तों कलीग्स नेबर्स के साथ फिर ये कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हों और अच्छा अखलाक बेहतरीन नेमत है बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हों और उनकी उम्र अच्छी हो यानी उम्र लम्बी हो फिर इसी तरह अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार की अलामत ये बताई गई कि इंसान इंसान के अंदर आजजी हो इनके सारी हो हम्बल्स हो फिर बेहतरीन लोग वो जिन्हें देख कर अल्लाह याद आए बेहतरीन लोग वो जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए खैर का दरवाज़ा बन जाते हैं खाना खिलाते हैं सलाम का जवाब देते हैं बेहतरीन इंसान वो है जिससे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो बेहतरीन लोग वो हैं जो साफ दिल और सच्ची जबान वाले हैं तो इन अहदीस पर हम इनशा आगे पढ़कर कलाम करेंगे सबसे पहले वैन के बारे में अल्लाह सुबहान इरशाद है وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا और आपके रब ने फैसला कर दिया यानी डिसाइड कर दी है ये बात एक और जगह पर आता है वसई हमने वसीयत कर दी यानी ताक़ीदी हुक्म दिया किस बात का कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो और वालदान के साथ अच्छा सलूक करो अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो ना ही उन्हें झिड़को और उनसे बात करो तो अदब से करो एहतराम से करो फिर इसी तरह यह कि अल्लाह ताला अपने शुक्र के बाद के शुक्र का हुक्म देते हैं وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير और हमने इंसान को अपने वालदेन से नेक सलूक करने का ताक़ीदी हुक्म दिया है उसकी माँ ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी सहते हुए अपने पेट में उठाए रखा और दो साल उसके दूध छुड़ाने में लगे इसीलिए यह हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदान का भी आखिर मेरे पास ही लौट कर आना है यानी वापस तो आना है फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या करके आए हो याद रखिए

आपने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना वालिदैन के साथ नेकी करना फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना यानी अल्लाह का हक फिर हकूक इबाद में वालिदैन का हक और फिर अल्लाह के दीन की खिदमत क्योंकि जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से ही दुरुस्त नहीं वो अल्लाह के दीन की क्या खिदमत करेगा और जिसने अपने घर में फसाद और बिगाड़ पैदा कर रखा है उसके अपने वालिदैन के साथ ही ताल्लुकात ठीक नहीं उसके अपने घर वालों के साथ ही ताल्लुका ठीक नहीं तो वो किस किस्म के दीन की खिदमत करना चाहता है उसका दीन पढ़ना और पढ़ाना और दीन के लिए कुर्बानियाँ करना फिर वो महल्ले नजर है क्योंकि पहली सीढ़ी पे कदम रखने के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आती है अगर आप जमीन से तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे इस काम में भी कभी कामयाब नहीं होंगे आपकी आपकी बाकी नेकियां भी अपनी जगह पर फिट नहीं बैठेंगी क्योंकि आप हर एक की नज़र में एक नापसंदीदा शख्स होंगे अगर आपकी नमाज ही दुरुस्त नहीं है आप वक्त पर नमाज ही नहीं पढ़ते आप वालदान के साथ अदब के एहतराम के साथ पेश नहीं आते उनकी अजियतें ही बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके बारे में बुरा सोचते हैं और बुरे कलिमात दूसरों के सामने अदा करते हैं फिर आपकी नकी क्या निकी है कहाँ की निकी है और ये नहीं होता कि हमारे सारे हालात अच्छे हों तो फिर हम वक्त पर नमाज़ पढ़ें या हमारे वालदेन हमारे साथ बहुत अच्छे हों तो फिर हम उनके साथ अच्छे हों तो ये नेक सलूक है नहीं आपको अपना फरीज़ा अदा करना है और इसके बाद आप इस काबिल होते हैं यानी जब ये दो स्ट्रेंथ्स आपकी होती हैं कि आपके अल्लाह साथ कनेक्शन मज़बूत है बंदों के साथ ताल्लुक अच्छा है तो फिर आपकसुई के साथ और शर सदर के साथ दीन की खिदमत कर सकते हैं दीन के रास्ते में निकल सकते हैं वरना आप दीन का काम भी सही तौर पर नहीं कर सकते यहां पर बिरुलवाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बिर का मतलब होता है नेकी वसी पैमाने पर नेकी एक होता है आम नेकी और एक होता है बड़ी नेकी तो मतलब क्या है इसका कि जिस कदर मुमकिन हो वालिदैन के साथ नेकी और भलाई करना और जिस कदर मुमकिन हो उनसे तकलीफ़ दूर करना उनकी तकलीफ़ दूर करना ख़्वा दुनिया की तकलीफ़ें हैं या आप सोचते हैं कि वालदे ने अपने दीन में कोई कमी की है और वो फौत हो चुके हैं आगे किसी मुश्किल में ना हो कभी ख़्वाब में आ जाते हैं ऐसी मुश्किल में कभी किसी और तरह आपको फीलिंग आती है कि वालदान आगे शायद किसी प्रॉब्लम में है तो ऐसे में उनकी तरफ़ से सद का खैर करना उनके रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना ये तमाम चीज़ें बिरुल बिरुलवाल्द में आती हैं अल्लाह सुबहान तौ के बाद सबसे ज़्यादा हक वालदान का है उलमा कहते हैं कि लोगों में से इंसानों में से सबसे ज़्यादा शुक्र और हसन सलूक के हकदार जिन के साथ इतात और फरमाबरदारी का मामला किया जाए जिन के साथ एहसान करने को अल्लाह ने अपनी इबादत और इतात और उनके शुक्र को अपने शुक्र के साथ मिला दिया वो वालदेन हैं उन पर एहसान करने की कई एक अकसाम हैं यानी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करना उनको खुश करना उनको उनको तोहफे तहफ देना उनसे दिल लगी करना जिन लोगों को वो पसंद करते हैं उनकी तारीफ़ करना बाज़ो कहता ऐसा होता है ना कि माँ बाप किसी की तरफ बहुत झुकाव होता है तो हमें उससे जालस होने लगती कि माँ बाप इससे बहुत प्यार करते हैं हमसे नहीं और हम उल्टा रिएक्शन करने लगते हैं नहीं आप भी फिर वालदान के सामने उसकी तारीफ़ करें ताकि माँ बाप का दिल खुश हो और उनके सामने वक्तन पर वक्तन इस बात का इजहार करते रहना कि आपके हम पर बड़े एहसानात हैं और उनकी तारीफ़ करते रहना उनका शुक्रिया अदा करते रहना और सबसे बड़ी बात यह कि उनको खुश करते रहना यानी कोई भी आपको पता होता है अपने माँ बाप का कि वो किस बात से खुश होते हैं हर एक घर का मामला अलग हो सकता है हर एक की खुशी के मकाम अलग हो सकते हैं कोई कोई बच्चों के खूब कमाने पे खुश होते हैं और कोई बच्चों के दीन में बहुत आगे जाने से खुश होते हैं तो ये आपको खुद मालूम करना चाहिए कि हमारे वालदेन के लिए ख़ुशी की खुशखबरी की बात क्या है फिर इसी तरह यह है कि वालदान अगर आते हैं आपके पास तो उनके लिए जगह कुशादा करना उनके रहने सहने का इंतज़ाम अच्छा करना उनके आगे ना चलना उनकी बातों को ना काटना उनके साथ तंज़ तशनी के लहजे में बात ना करना फौत हो जाएँ तो उनके लिए गैबाना दुआएँ करना उनकी तरफ़ से सदका करना उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना यानी वालदा के बाद जैसे खाला होती हैं क्योंकि उमूा ये देखा गया है कि माँ के साथ उसकी बहनें भी बच्चों की तलीम तरबियत में या बाप की बहनें पप्पी वग़ैरह जो होती हैं वो तालीम और तरबियत में बच्चों के एक बड़ा रोल अदा करती हैं तो उनके साथ उसने सलूक करना और फिर यह है कि वालदे अगर मुस्लिम ना भी हों तो भी उनके साथ आज का एहतराम का सलूक करना और उनके साथ नेकी करना वाजिब है और इसके उलट दो चीज़ें हैं कि उनके साथ बदसलूकी की जाए बदखलाकी बरती जाए उनका दिल दुखाया जाए और उनके साथ ज़्यादा का कोई भी मामला किया जाए एक और हदीस में आता है कि किरमकुम अक़ूक़ल हाथ तुम पर माओ की नाफ़रमानी को हराम कर दिया अल्लाह ने ये वालदा की नाफ़रमानी याक़ क्या होती है उनका हक मारना क्या होता है इस पर उलमा कहते हैं हर वो काम हर वो काम जिससे वालदान को तकलीफ़ पहुँचे यानी औलाद का हर वो काम जिससे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचे हर वो चीज़ जिसकी हर वो चीज़ जिसके सबब वाल को नफसयाती नفس, तौर पर नफसानी तौर पर या जिसमानी तौर पर दुख पहुँचे यानी किसी भी तरह आप उनको टॉर्चर करें फिज़िकली करें या वैसे उनके साथ कोई बात ऐसी करें या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसायल खड़े कर लें कि वालदे तकलीफ़ में हों क्योंकि बाज़ात हम जब उनके पास होते हैं जब तो होश ही नहीं होती कि इनका भी कोई हक है अमूमन बच्चों का और यंगस्टर का यह हाल होता है और उस वक्त भी वो बहुत से ऐसे काम करते हैं कि जो माँ बाप को पसंद नहीं होते फिर उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर कई ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ कि मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई की हर खबर माँ बाप को सुनाना अपने घर की तंगी तकलीफ़ की हर बात माँ बाप तक पहुँचाना जॉब चली गई है वो तकलीफ़ की बात सुनाना बिज़नेस डाउन हो गया है फूल बच्चे ने ये कर दिया यानी जब बात करें उनको कोई ना कोई बुरी ख़बर ही सुनाएं वैसे दिनों घर दिनों महीनों बात ना करना उनकी खबर ना लेना कि वो कहाँ है कहाँ नहीं हाँ कोई मुसीबत तकलीफ आ जाए तो फिर झट से फ़ोन खड़का देना फिर झट से फ़ोन खड़का देना और उनको बताना कि हम किस तकलीफ़ में हैं तो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा माँ बाप से नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए अजियत का बायस हो आप उन्हें खुश कर सकते हैं कर दीजिए और अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहिए खामोशी ज़्यादा बेहतर है तो अजीत बड़ी हो या छोटी हो दोनों ही उकूक में शुमार होते हैं और उकूक जो है ये कबीरा गुनाहों में शुमार होता है इबन हजर कहते हैं उकूक से मुराद है औलाद की तरफ से वालदेन को अजियत पहुँचे खा वो कौल से हो या फेल से हो अला ये कि वह शर्क या नाफ़रमानी की बात हो तो वालदेन के साथ एहसान और नाफ़रमानी इकट्ठे नहीं हो सकते ये जो बिल ये एहसान है ना तो ये एहसान जब ही होगा जब आप उनकी नाफ़रमानी ना करें उनकी बात मानते रहें ये कि कोई हराम या गलत काम का वो हुक्म दें और आप देखिए कि ये हमारे दीन की ख़ूबी है कि वो अदलानसाफ़ का दीन भी है कि जिसने आप पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी सिर्फ़ माल नहीं कि माँ बाप हमें सिर्फ़ माल नहीं खर्च करते हम पर बल्कि अपना वक्त अपनी ख़ुशी अपना आराम अपना सुकून अपनी अपने लिए दुआएं छोड़ के आपके लिए ज़्यादा दुआएं करना शुरू कर देते हैं जब वो बच्चों को बीमारी में या किसी तकलीफ़ में मुब्तला देखते हैं तो ये हमारे लिए यानी कि एक बाशूर इंसान एक समझदार इंसान एक अक्लमंद इंसान वही होता है जो महसिन का एहसान माने जिसने हम पर एहसान किया है उसके एहसान को एक्नॉलेज करे कि हाँ वाकई आपका हम पर एहसान है और माँ बाप से बढ़कर कौन एहसान करता है और फिर अक्लमंद इंसान वो होता है जिसको अपने हकूक़ व फ़रज़ का पता होता है कि मेरी ड्यूटी क्या है मेरी ज़िम्मेदारी कहाँ क्या बनती है और मैं कहाँ किसका क्या हक अदा करूँ क्योंकि इस्लाम हमें अल्लाह ताला के बाद बंदों के हकूक अदा करने की तालीम देता है तो जो लोग बाशूर होते हैं जो लोग दूसरों के हकूक़ पहचानते हैं उनको ठीक ठीक अदा करते हैं ऐसे ही लोग दुनिया और आखरत में अल्लाह सुबहान रहमतों के मुस्क होते हैं उन्हीं पे अल्लाह की रहमतें होती हैं तो याद रखिए हर इंसान का अपना घर सबसे पहली तरबियत होती है और ये तरबियत माँ बाप से शुरू होती है और यहाँ से फिर सारे माशरे तक फैलती है तो जहाँ 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 हमारी ज़िंदगी में कोई कमी कोताही है वो हमें दुरुस्त कर लेनी चाहिए इस अतबार से अल्लाह ने बनी इसराइल से तो पक्का वादा लिया था कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और वालिदैन के साथ एहसान करेंगे यानी इस पर एक तरह से अहद लिया गया वह इस ना मीसा बनी इसराइल मिसाक कहते पुख्ता आहद को यानी पक्का पक्का वादा करो कि ये काम करोगे और वालदे से उसने सलूक जो है अम्बिया की सिफत है याहिया के बारे में आता है वर्रम ब ही, वलम वा कन जब्बारन असिया वो वा अपने वाले से हमेशा अच्छा सलूक करते और किसी वक्त भी जाबिर और नाफरमान नहीं हुए ईसा सलाम के बारे में आता है वबर्रम वा ब वालदती वमय वा जालनी जब्बारन शक़िया कि मैं अपनी वालदा से बेहतर सलूक करता रहूं इसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया नीज़ यह कि अल्लाह ने मुझे जाबिर और बदबक नहीं बनाया तो याद रखिए वालदे में से फिर माँ का हक ज़्यादा है और माँ के साथ नेकी जहाद से भी ज़्यादा अहम है आपको याद होगा कि उवैस करनी जो थे वो अपनी वालदा की खदमत મે રહેને કી وجہ સે રસૂલ અલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલહી સલ્લમ કી ખિદમત મે હાજર નહીં હો સકેતે ક્યોકી અગર વો આપકે પાસ આતે તો ફિર ઉનકી વાલિદા કી ટેક કેર કરને વાલા કોઈ ન હોતા વાલિદૈન અગર ચે અલ્લાહ કે નાફરમાન હો વાલિદૈન અગર ચે બદ અખલાક હો વાલિદૈન અગર ચે આપકે સાથ જ્યાતી કરતે હો ફિર ભી આપકો ઉનકે સાથ ઉસલે સુલૂક કરના હૈ જૈસે અબ્દુલ્લાહ બનુ બઈ કે બેટે અબ્દુલ્લાહ જો થે વો પક્કે મુસલમાન થે ઓર અપને વાલિદ कि गर्दन तक उड़ाने का इजाजत मांग रहे थे नबी सही से जब एक मौके पर जिन्होंने जब उसने नबी सल्म की तोह की लेकिन आपने क्या फरमाया हदीस में आता है ला नहीं तुम अपने वालिद का गला नहीं काटोगे वलाकिन किन बर्र अबाक वाहिन सोहबत हो अपने बाप से नेकी करो और उसने सोहबत से पेश आओ सुहानल्लाह यानी ऐसा कट्टर दुश्मन आप का उसको उसी का बेटा चाह रहा है कि ख़त्म कर दे ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो रोज रोज़ का लेकिन आप अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी क्या तलक ये हमारे दीन की खूबसूरती है कि जो माँ बाप इंतहाई बद अखलाक और आपके दीन दुनिया के ही दुश्मन बन जाएं उनके साथ भी अच्छा करो मुशरक़ वालदा के साथ हजरत असमा रज़ील तसन सलूक का हुक्म दिया तो उनके साथन सलूक में ये तमाम चीज़ें आती हैं अदब एहतराम ज़ाहरी तौर पर भी उनको उफ तक नहीं कहना उनकी खिदमत को लाज़िम करना है उनकी तरफ गु़स्से से देखना भी नहीं चाहे वो हम पे गुस्से हो रहे हैं हमें जवाब में गुस्से से देखने का हक़ नहीं है इबन अब्बास कहते हैं जिसने माँ बाप को गुस्से से देखा उसने भी नाफ़रमानी की वह भी अकूकुल वालदेन यानी वाले, वाले के सामने कमतर ग़ुलाम बन के आओ और यहाँ तक अदब आदब सिखाए गए इबन अब्बास कहते हैं वालदान के सामने अपने कपड़े भी ना झाड़ो कि उन पर गर्दो गुबार न चला जाए क्या अदब सिखाया गया यानी ऐसी कोई हरकत नहीं करो बाज़ुकत क्या होता है माँ बाप बैठे हैं उनके सामने उनका बिस्तर झाड़ रहे हैं सफाइयाँ शुरू कर दी और काम किए जिससे उनको अजियत पहुँचे तो इससे भी रोका गया है फिर ऐसे काम करने चाहिए कि वालदान के दिल से दुआएँ निकलें कहीं बद दुआ ना निकल जाए क्योंकि वह पूरी हो जाएगी और दुनिया आखरत बर्बाद हो जाएगी फिर इसी तरह उनको रुलाना नहीं चाहिए एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वालदैन को रोता हुआ छोड़ के आया कि मैं आपके हाथ पे हिजरत की बात करने आया हूँ आपने कहा नहीं वापस जाओ जैसे रुला के आए वैसे हंसाओ फिर इसी तरह वालदैन से अगर कोई गलती होगी क्योंकि वालदैन को फरिश्ते नहीं होते वो भी इंसान होते हैं और उनसे कई गलतियाँ होती हैं कई हराम काम हो जाते हैं कई गुनाह कबीरा हो जाते हैं अब देखिए कि जो चोर होते हैं उनके भी कोई बच्चे होते हैं कोई यानी कि बुरे बुरे काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके भी औलादें होती हैं अब वो औलादे माँ बाप की वजह से बदनाम भी होती हैं परेशान भी होती हैं तो ऐसे में भी वो अपने वालदे को अगर मदद की ज़रूरत है ख़दमत की ज़रूरत है किसी चीज़ की तो जायज़ कामों में वो उनका साथ दें और अगर फौत हो जाए किसी के भी वालदे तो सबसे ज़्यादा हुसन सलूक क्या है वलदु उनसालहू उनके लिए दुआएँ करना खुद नेक बनना ताकि हमारी दुआएं उनके हक में कबूल हों यानी सिर्फ़ ये नहीं कहा कि बच्चों की दुआएं वालदेन के लिए अब वलदुन साल नेक औलाद की दुआ माँ बाप के लिए कबूल होती है तो वालदे के लिए दुआ करने से पहले कोई नेकी कर लेनी चाहिए कोई भी अच्छा नमाज में आप देखें रब्ब नगफिरली वल वालिया तो पढ़ते ही उसको शूर से पढ़ें सजदों में रबर हम कमा रब्ब यानी सगी पढ़ें उनके लिए इस्तार करें जन्नत में अल्लाह ताला नेक आदमी के दर्जात को बुलंद करता है वो पूछता है मेरे रब ये दर्जे कहाँ से तो बताया जाता है ये तेरी हक में तेरी औलाद के इस्तबार की वजह से तेरे बच्चों ने तेरे लिए बख्शिश मांगी थी तो यहाँ तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है उनकी तरफ से सदका करना जब आप अपने लिए सदका कर रहे हो उनकी नियत कर लीजिए साथ अमाउंट वही होगी अजर आपको भी मिलेगा उनको भी मिल जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में आप हिस्सा डालते हैं दीन दुनिया के कोई भी नेकी के काम में तो उसमें बस नीयत तो दिल में होती है ना किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं होता कि आप लिखे रसीद पर यह फ़लाँ की तरफ से और फलाँ की, की तरफ से सारे मोहल्ले की तरफ से नाम नहीं लिखवाए जा सकते आप बस अपने दिल में नीयत कर लें और कोई अमाउंट देना है या कोई कोई भी खैर का, का काम करना है इसी तरह अगर उनकी कोई कर्जा चुकाने की बात है वो फौत हो गए अब कर्ज़ा चुकाना है या उनकी उनके को रोज़े रखने हैं या उनकी जकवात रहती है या उनकी तरफ से हज रहता है ये सब भी बेहतरीन से लमी में आता है वालदान के बिरुलवाल्देन में अगर उन्होंने कोई नज़र मानी थी तो उस नज़र को पूरा करना अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारी नकियाँ पलट कर आपके अपने ऊपर आएंगी आपकी औलाद आपके लिए बेहतरीन आंखों की ठंडक बनेगी आपकी उम्र में इजाफा होगा बरकत होगी आपके रिस्क में बरकत होगी कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे जन्नत में दाखले का सबब बनेगा लेकिन उनको सताना और उनकी नाफरमानी जहाँ हराम है वहाँ कबीरा गुना है ऐसे शख्स पे लानत की गई है जो वालदे की नाफरमानी करे या उनको गाली दे कोई अपने वाले को डायरेक्ट गाली नहीं देता लेकिन जब कोई किसी के वालदान को देता और वो पलट के आपके वालदान को देते हैं तो गोया आप सबब बने अपने माँ बाप को बुरा कहलवाने के इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि तीन लोगों की ना फर्जी इबादत कबूल होती है ना नफली एक नाफर एक उनमें से वालदान का ना फ़रमान और बदसलूक उसकी तो नमाज़ें भी कबूल नहीं जब तक कि वो उनके साथ एहसान ना करे और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है वालदान को गाली देना कबीरा गुनाह है और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना तो उनके लिए दुआ ज़रूर करते रहें ज़िंदा है या फौत हो चुके हैं दोनों सूरतों में अगर आपको उनकी तरफ़ से कोई शिकायत है किसी किस्म का दिल में को रंज है कोई उनकी बदसलूकी याद है कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ आपके दिल में खटकती है तो उनके लिए दुआ करते रहें रबर हम हम क़मा यानी सगीरा और नूअ सलाम की दुआ भी है रब रब फिरली वली दैया वलिमन दखला बैतियान वलमुबिन वमुबमिन वला तज़दालमीन अल्ला तबारा और इब्राहिम सलाम की दुआ रबली वल वाल वलमौमिनी ओमिस और रब ओज़ैनी अश्कुर अमताक अनमता व अला वालैया व अन तरदाह विलनी बाहमती कफ़ी इबादिकन या साथ ही अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांग लीजिए व असलहली फ़ी जरूरी अल्लाह मेरी औलाद को भी अच्छा कर दे उनकी भी असलाह कर दे इन्नी तुप तो मैंने जो कमी कोतई उनके हक़ में कि मैं तेरे से माफी तोबा करता हूँ फिर इसके बाद दूसरा नेकी का काम है रहमी। इंसानों के हकूक में अच्छे तालुक में रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कबीला के एक आदमी से रिवायत है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के पास आया जबकि आप सहाबा के पास बैठे थे मैंने कहा आप वही हैं जो यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं आपने फरमाया हाँ मैंने कहा अल्लाह के रसूल कौन से अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं आपने फरमाया अल्लाह पर ईमान कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा आपने फरमाया सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से हसने सरूक करो अब आप देख रहे होंगे कि एक शख्स को आपने बिरलवालदैन बताया और एक को सिला रहमी सिला रहमी में बिरुलवालदैन शामिल हो जाता है याद रखिए रखिये सिलहमी बिरुलवालदैन से अलग चीज़ नहीं है उसमें माँ बाप सबसे पहले आते हैं दूसरा यह है कि नबी सल्ल् का सिचुएशन को देखते हुए किसी शख्स की कमज़ोरी या उसके बैकग्राउंड को देखते हुए भी उसके लिए ज़्यादा अहम बात जो थी वो बता दिया करते थे सिला रहमी का मतलब क्या है सिला रहमी का मतलब यह कि जितना हो सके रिश्तेदारों को खैर पहुँचाई जाए और जितना हो सके उनसे शर और तकलीफ़ को दूर किया जाए ये है अमूमी तौर पर सिला सिल जितना हो सके फ़ायदा पहुँचा दें और जितना हो सके उनकी तकलीफ़ें दूर कर दें जहाँ तक आपके हिस्से में आप जिस काबिल हैं यानी ला यानि लाकल्लफालाफसन अल्लास्हा कुछ ख़ानदान छोटे होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं इंसान नहीं पूरा आ सकता बाज़ुकात तो जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उनके साथ साथन सलूक किया जाए और उनसे उसने सलूक का मतलब क्या है कि कभी माल देकर उनकी सिला रहमी की जाए उनकी हाजतों पर उनकी ज़रूरिया पर उनकी मदद की जाए कभी यह कि उनकी बीमारी दुख और तकलीफ़ में उनको माल या अच्छे मशवरे से फ़ायदा दिया जाए जब मुलाकात करें खंदा पेशानी से करें चाहे आपके दिल में कोई कमी बेशी है भी किसी के बारे में नाराज़गी भी लेकिन कई रिश्तेदार सालों बाद किसी शादी पे किसी गमी खुशी पे मिलते हैं वो पिछली पुरानी जो तकलीफ़ें हैं उनको भुलाइए और खंदा पेशानी के साथ आगे बढ़कर सलाम कीजिए उनके हक़ में दुआ कीजिए उनसे मुलाकात का एहतमाम कीजिए यानी यह नहीं कि रोज़ आप किसी के घर चले जाएं या रोज़ किसी को घर में बुला लें कि मुलाकात करनी है लेकिन जहन में रखें कि किस रिश्तेदार से कब से मुलाकात नहीं हुई तो क्या तरीका हो सकता है उनसे उन्हें तहाइफ़ दिए जाएं जैसे ईद आई है तो ईद के मौके पर या और इसी तरह के मौाक़ पर उनको याद रखा जाए उन पर किसी भी ज़रूरत के तहत खर्च किया जाए शफकत और नरमी से पेश आया जाए चेहरे पर भी बशाशत हो अदब वहतराम भी हो और हर वो काम जिसको किसी कल्चर में से लहमी कहा जाता है क्योंकि वेरी भी करता है ना कुछ आ, इलाकों के ख़ानदानों के तौर तरीके और रस्म रवाज जो हैं दूसरों से कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं तो उसको देखा जाए कि शरीयत की हदूद में रहकर किस खानदान का रख रखाव कैसा है बाज़ आप अपने वालदे के यहाँ कोई और तरीके देखते हैं जब आप ससुराल में जाते हैं तो वहाँ कुछ और होते हैं फिर आप सोचते हैं कि ये ये तो अजीब बात है ये लोग ये भी करते हैं वो नहीं वहाँ ढल जाए अगर वो सही काम कर रहे हैं और अगर आपके पीछे से अच्छी रिवायत आ रही हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करें ताकि लोगों के अंदर खैर जारी अगर उनकी आपस में नाराज़गियाँ हैं तो उनकी सुलह करवाइए क्योंकि बाज़त कर ख़ानदानों के अंदर बहुत सी फूट पड़ी हुई होती है आप एक नई दुल्हन गई हैं आप अपने नएपन से फ़ायदा उठाएं और अपने उस मकाम या मरतबे या रुतबे की वजह से बाजों का बात ने कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया होता है किसी माली से, अतबार सेबार से उससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों को बाहम मिलाएं जोड़ें क्योंकि ये नमाज रोज़े से भी अफसल काम हो जाता है रूठे हुओं को मनाना तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए यानी यह कोई मन घड़त बात नहीं है इसका इस हुक्म कुरान मजीद में भी है सूरत और रात में बाकायदा बायदा फ़रमाया गया वल्लीना यून मा अमर भी यू सला वक़शउन रब हम व यक़ आफु नसूल हिसाब वो जो उस चीज़ को मिलते हैं जिसके मुतलिक ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए और अपने रब से डरते हैं ربهم أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك أولئك لهم عقب الدار في آپ الآية जहाँ सिला रहमी की बात की गई वहाँ सबर की बात साथ ही वलिन सबरुबा अवजह रब अपने रब का चेहरा चाहने के लिए सबर करते क्योंकि जिसके अंदर सबर नहीं ना वो सिला रहमी नहीं कर सकता छोटी छोटी बातों पर फ्लेयर अप हो जाना गु़स्से में आ जाना ताल्लुक तोड़ बैठना फिर एक दूसरे से बात ना करना फिर उन चीज़ों को लम्बा ले जाना माफ़ ना करना ये फिर ये सिला रहमी के ख़िलाफ़ है कहाँ नाराज़गी नहीं होती कहाँ एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं होता कहाँ किसी की बात हर्ट नहीं करती हर जगह होता है मोहब्बत के करीबी रिश्तों में भी ये चीज़ें हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में सब्र से ही सिला रहमी हो सकती है और अल्लाह का चेहरा चाहने से ही इंसान के अंदर ये मोटिवेशन आती है कि मैं सब को माफ़ कर दूँ और फिर नमाज़ कायम करना रिस्क अल्लाह के दिए में से ख़र्च करना यानी तकलीफ़ दे मौके पर अल्लाह की इबादत से स्ट्रेंथ हासिल करना नमाज की बात आगे भी फिर बात जब आप माल खर्च करते हैं किसी को कुछ देते हैं तहादू, तहादू तो मोहब्बत पैदा हो जाती है गलत दूर हो जाती हैं और फिर सिरम व अलानिया छुपा के भी दिखा के भी किसी ना किसी तरह और फिर व यदर ऊन बिलहसन बुराई को भलाई से दूर करते हैं यानी किसी का बुरा रवैया भी है तो उसके जवाब में अच्छाई करते हैं सिल रहमी ये नहीं कि जो आपके साथ अच्छा आप उसके साथ अच्छा सिला रहमी यह कि कोई आपके साथ बुरा भी कर जाता है फिर भी आप उसके साथ अच्छा करते हैं अच्छा सिल रहमी में तरतीब क्या सबसे ज़्यादा रिश्ते किन रिश्तेदारों का हक हाँ है इसमें वमा कहते हैं कि सब सबसे पहले महरम रिश्ते आते हैं यानी वो रिश्ते जिनमें जिनके साथ शादी नहीं हो सकती वो सबसे सबसे पहले दर्जे पर रहमी के मुस्तक हैं यानी अगर आप दो लोग सामने आए इसके साथ भी अच्छा कर इसको भी ज़रूरत है उसको भी ज़रूरत है तो पहली ज़रूरत आप उसकी पूरी करेंगे कि जिसके साथ आपका हरमत का रिश्ता है और हरमत के रिश्ते सूरत अनसा में बता दिए गए हैं सिर्फ ये याद रखे कि जहाँ शादी मर्द की जिस औरत से और औरत की जिस मर्द से शादी नहीं हो सकती वो महारम है वो सबसे पहले होंगे फिर उसके बाद ये कि उनके जो आगे बच्चे हैं या उन उनके जो आगे रिश्ते हैं उनके साथ सिला रहमी करना इसी तरह सबसे पहले उनके साथ सिला रहमी करना जो हमारे वारिस बनते हैं जैसे वालदे हैं औलाद है, है बीवी है बच्चे हैं ये उसमें आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो जब ये ऊपर नीचे के ना हो तो फिर बहन भाई आ जाते हैं फिर खाला चचा मामू वगैरह ये इन रिश्तों के साथ सिला रहमी करना और फिर ये यहाँ तक कहा गया बाज़ोलमां कहते हैं चौथे दादा तक या नाना तक उनकी जो औलादे हैं वो सब रिश्तों में आ, उनके साथ से लहमीं बाज सातवें तक कहते हैं वो जो सात पुश्ते आपने अक्सर सुना होगा सात पुश्तों की बात बहुत करते हैं तो सात पुश्तों तक जो रिश्ते मालूम हैं हमारे यहाँ तो ये रहा ही नहीं करीबी रिश्ते भी नहीं पता बहन भाइयों के बच्चों के नाम नहीं आते बाकी क्या होगा तो लेकिन अहल अरब में ख़ास तौर पर ऊपर तक अपने नसब नामे याद होते थे फिर उनकी कौन कौन औलादें हैं कौन किस कबीले में गया है कौन क्या करता है ये सब उनको मालूम होता वै, वैसे भी लोग ये कि पहले इकट्ठे रहते थे करीब रहते थे आ, अब दुनिया भर में फैल गए हैं लोग तो उस एतबार से भी दुनिया बढ़ गई लेकिन हत्तुल अल्वसा जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसान से लहमी करता रहे और इस सिलसिले में इंसान हमेशा याद रखे कि बाकी तमाम लोगों की नस्बत रिश्तेदार आपके हुसन सलूक के ज़्यादा मुस्तक लेकिन अफसोस ये कि यह पैमाना बदल गया हम बाकी लोगों के साथ तो अच्छे होते हैं अपने वर्क प्लेस में बहुत अच्छे हैं अपने नेबर्स के साथ अच्छे हैं दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन रिश्तेदारों को काट खाने को दौड़ते हैं ये गलत बात है ये दुरुस्त ये तरतीब है इसका यह मतलब नहीं बाकी लोगों से अच्छे ना हो या उनसे बुरा करके अच्छा करो इनके साथ उनसे भी अच्छा करो लेकिन तरतीब में वन टू थ्री फोर प्रायरिटी किसकी होगी ये ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये प्रायरिटी आपने इस एतबार से नहीं रखनी कि आपका दिल क्या चाहता है या आपको क्या पसंद है इस अतबार से रखनी कि अल्लाह ताला क्या चाहता है अल्लाह के हाँ क्या ज़्यादा फ़ायदा चीज़ है और फिर ये कि जैसे आप जानते हैं रिश्तेदार को सदका देने का दोहरा अजर है और यह है कि रिश्तेदारों के साथ एहसान करने से दुनिया में भी फ़ायदा होता है ये वो नेकी है कि जिसका सिला फौरन मिल जाता है हदीस में आता है बेशक जिस नेकी का बहुत जल्द अजर मिलता है वो सिला रहमी है यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है कोई तकलीफ़ है कोई परेशानी है तो रिश्तेदारों से इस नीयत से भी आप अच्छा करें कि अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा की खातिर इनसे उसने सलूक कर रही हूँ तो अपनी रहमत से मुझे मेरी मुश्किल से निकाल जो भी आपके दिलों में दुआएं हों और याद रखिए कि ये नेकी हमने सिर्फ दुनिया के मसले हल करने के लिए नहीं करनी अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी है जिसका सिला फिर जन्नत है तीसरा नेक काम तीसरी बात आज के लेक्चर के सिलसिले में वो है घर वालों के साथ बिल्कुल इमीजिएट वो लोग जो एक घर के अंदर रहते हैं एक चार दीवारी के अंदर रहते हैं यानी चाहे वो आप हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं या फिर आपके घर में आपके कोई शादीशुदा बच्चे बेटा या बेटी और उनके बच्चे रहते हैं नवासे या पोते वगैरह तो ये सारे लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं उन सब के साथ अच्छा सलूक कॉलर खरकुम खैरकुमली आहली व अन ख़ैरकली आहली नबी सल्ला वम ने फ़रमाया तुम में से बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और तुम सब की नस्बत मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ और इसमें सबसे पहले बीवी आती है फिर बच्चे आते हैं फिर उसके बाद बच्चों के बच्चे वगैरह आते हैं और यानी कि और हो सकता वालदे आपके साथ रहते हो तो उनका तो अपना ही एक हक है तो घर अमूमन इंसान घर वालों की अच्छी बुरी चीज़ से कभी तंग भी आ जाता है और वो फिर घर वालों के साथ यानी बाहर सब कुछ अखलाकी बरत के खाली हो के घर आता है और घर आके उसके यानी सारी बद अखलाक़ी जो है वो उसकी बाहर आ जाती है तो ये एक तो दोगलापन है बहुत से लोग बाहर आपकी बड़ी तारीफ़ करते बड़े अच्छे अखलाक़ के मालिक और घर वाले जो हैं वो इंतहाई तंग हैं आपसे तो इस रवैये की भी इस की ज़रूरत है तो बहरहाल घर वाले जो हैं उनके साथन सलूक और हुसन सलूक में सिर्फ़ ये नहीं कि उनको खिलाते पिलाते रहें उनको तफरी सैर करवाते रहें और उनकी हर बात माने और ये आप उनको खुश किए चले जा रहे हैं उनके हलाल आराम पर यह मतलब नहीं है इसका इसमें यह चीज़ भी आती है को अनफ व अहली गुम नाम यानी उनके साथ सबसे अच्छा हुसन सलूक उनकी खैर कही है कि उनको आग से बचाओ उनके उनको इस्लाम के अतबार से एजुकेट करो उनको अखलाक आदाब और मैनर सिखाओ उनके अच्छे बुरे की फ़िक्र करो उनके साथ शफकत का मामला करो उनको इज़्ज़त और प्यार दो और जो बच्चे वा, जो वालदेन बच्चों को प्यार नहीं देते उनकी बहुत मजम्मत भी की गई है अबुर रसूल सल्ला वल्म ने हज़रत हसन बिन अली को बोसा दिया तो आपके पास अकरा बिन हाबिज़ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा मेरे तो दस बच्चे हैं मैंने तो कभी किसी को बोसा नहीं दिया तो आपने उनकी तरफ़ देखा और फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता तो जो तुम दूसरों पर रहम करो अल्लाह ताला तुम पर रहम करो फिर ये कि औलाद के, के दरमियान अदल करना बेटियों को भी अहमियत देना क्योंकि हमारे माशरे में अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बेटों को तो बहुत तरजीह दी जाती है और बेटियों को पीछे कर दिया जाता है हती कि मीरास में या और हकूक़ में भी तो उन सब में उनकी उनका हक बनता है फिर इसी तरह ये कि उनको अपनी बदजबानी से बचाना बदअलाक़ी से बचाना गाली गलोच से बचाना यानी घर के अंदर इन चीज़ों को को माइनस कर दिया जाए और फिर दुआ भी की जाए रब्बना हब हबलना मिन अजवा जिना वजुर्रियातना कुर्रत आयुन वजालना लिल्मतकी इमामा और वो दुआ भी बड़ी खूबसूरत है जो सिलसिला सही हमें आती अल्लामिन ओजुबिकमिन जारिस अमिन जवुजिन तुशैबुनी कब्लमशीब अमिन वला दिन यकून अलबन एल् मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ बुरे पड़ोसी से ऐसी बीवी से जो मुझे बुढ़ापे ऐसे बीवी या शौहर दोनों ही जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा करते यानि हर वक्त के चिक चिक और एक दूसरे के साथ बदखलाकी जो है वो और रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े जो हैं वो इंसान को, को इतना उसका स्ट्रेस लेवल हाई कर देते हैं कि जिसके बाद वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है और ऐसी औलाद है जो मेरी आका बन बैठे यानी बात तो बच्चे माँ बाप को कंट्रोल करने लगते हैं तो यह अला इससे भी मुझे महफूज रख क्योंकि माँ बाप का अपना मकाम है और बच्चे अपनी जगह हैं चौथी चीज़ जिसका हमें हुक्म दिया गया वो है ख़्यारम खियारम लेम खुल तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के हक में अखलाक के अतबार से अच्छे हैं यानी ये वुमेंस राइट्स की बात है आप चाहे घर की औरतें हैं चाहे बाहर औरतें हैं औरतों की इज्जत एहतराम उनको उनका मकाम देना ये बहुत इम्पॉटेंट है कुरान मजीद में आता है वह आश्रू हन्ना बिलमूफ़ उनके साथ अच्छे तरीके से रहो अगर बीवी है तो उस पर अच्छे मारूफ तरीके से खर्च करो उसे खुद खाओ तो उसे खिलाओ खुद पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ उसके चेहरे पे ना मारो उसे गालियां मत दो अगर उसे अलग करो किसी नाराजगी की वजह से तो घर के अंदर ही रखो किक आउट नहीं करो घर से बाहर नहीं निकालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिसका खर्च उसके ज़िम्मे है उसको खर्च ना दे यानी जिसके जिसके ऊपर स्पेंड करना उसके ऊपर लाजिम है वाजिब है वो उस पर स्पेंड ना करे तो अपनी हैसियत के मुताबिक स्पेंड करते रहना चाहिए अच्छी आदत पर नज़र रखनी चाहिए बुरी आदत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए फूलों के साथ कांटे भी हुआ करते हैं अच्छे से अच्छे लोगों के साथ आपको कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बॉदर करेंगी तकलीफ़ देंगी उनको इग्नोर करते रहें कोई इंसान किसी की याद रखिए जुमला कोई इंसान किसी की खैर से फ़ायदा नहीं उठा सकता अगर वो उसके शर को माफ़ नहीं करता या दरगुजर या उसके शर से दरगुजर नहीं करता यानी जब तक आप किसी की बुराई या बद अख्लाकी या बद या यानी किसी भी कमज़ोरी या कोताही से सरफ़ नज़र नहीं करते उसको इग्नोर नहीं कर देते माफ़ नहीं कर देते जाने नहीं देते उस वक्त तक उसी के अंदर जो खैर है उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी भी लगती हैं लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ भी देती हैं तो बहुत से लोग मसलन शादी के रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते लेकिन एक दूसरे से शिकायतें भी दिन रात करते चले जाते हैं और सारे ख़ानदान को बीच में इन्वॉल्व किए रखते हैं तो जब उनको मशवरा दिया जाता है कि अगर आप इतनी तंग है तो फिर अलग हो नहीं अलग नहीं हम हो सकते तो फिर थर्ड ऑप्शन तो कोई नहीं ऑप्शन यही है कि आप उनके साथ रहें और उनकी तकलीफ दे चीज़ों को इग्नोर करते नहीं उन पर ख़ामोशी इख्तियार करें आंख बंद कर लें कोई बात नहीं इस बात को मान जाए कि ये है मसला यहाँ देखिए बाजूकत यह होता ना कि आपने बड़ा अच्छा कार्पोर्ट बिछाया लेकिन कहीं झोल रह गया अब आपको पता होता है कि हाँ झोल है आप कुछ कर नहीं सकते सारा कहाँ से उखेड़ेंगे उसको कैसे फिक्स करेंगे कोई तरीका नहीं फिक्स करने अब कुछ लोगों के बचपन से आदतों में कुछ झोल रह जाते हैं उनकी कुछ कमजोरियाँ होती हैं आप बीवी की हैसियत में शोहर के बहुत से झोल नहीं खोल सकते उनको नहीं फिक्स कर सकते वो उनके साथ है चीज उसको समझें और जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो आप उस उस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो नहीं करेंगे आंख बंद कर लेंगे उस तरफ से हजिक सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ आपको बॉदर करी और पूरे घर में जो चीज़ बिछी हुई है वो आपको नज़र ही नहीं आती इतनी खैर उस शख्स से आपको पहुँच रही है वो अपना माल दिन रात आप पे ख़र्च कर रहा है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है तकलीफ़ उठा रहा है और आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के घर में फसाद शुरू कर देते हैं तो इस पर क्या अल्लाह ताला पूछेगा नहीं तो हसन सलूक सिर्फ ये नहीं होता कि कंडीशनल हो अगर तुम अच्छे हो तो मैं अच्छा होगा हो, नहीं आप अच्छे बन के दिखाएँ और दूसरे को भी अच्छा कर लें फिर इसी तरह यह है कि बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खादिम या औरत को मारा नहीं उसकी उसकी मदद करनी चाहिए घर के काम में उसके साथ तान करना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे काना यकून फी मेहनत आहली ही यानी फी खिदमत आहली ही घर में घर वालों की खिदमत के काम करते थे घर में झाड़ू लगा लेते थे कपड़े रफू कर लेते थे जूता अपना मरम्मत कर लेते डोल सी लेते हैं इन छोटे छोटे घर के चोर जो होते हैं उनमें हेल्प करते थे हालांकि आपकी बीवियों के पास कोई बच्चे नहीं थे कि जिनके बहुत ज़्यादा काम हो उनके पास भी फ़राहत होती है लेकिन अगर शौहर एक काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो वो बीवी को हेल्प करके उसका दिल खुश कर सकता है घर की फ़जा अच्छी हो सकती है और फिर इसी तरह हज़रत आशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत भी नबी सल्लह वम के बारे तो में फरमाते हैं कि आप बहुत नरम दिल इंसान थे हज़रत जब भी आपसे किसी चीज़ की फरमाइश करती आप उसे पूरा कर देते थे फिर यह है कि एक दूसरे को ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए आप सल वम ने हजरत आयशा से फरमाया था कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल एक रस्सी की तरह रस्सी की नोट की तरह तो हज़रतशा पूछती थी अक्सर कि रस्सी का नोट का क्या हाल है यानी ढीली हो गई है या उसी तरह ही है हुँ? तो यानी हस्बैंड वाइफ के कुछ सीक्रेट्स होते हैं मोहब्बत की कुछ चीज़ें होती हैं उन उनको दोहराते रहना चाहिए ताकि दूसरा शख्स जो है वो उसको खुश रखा जा सके इन सिर्फ मसाइल पे बात ना करें सिर्फ झगड़ों पे बात ना करें सिर्फ शिकायतें ना करें सिर्फ़ शिकवे ना करें सिर्फ मूड ऑफ करके ना रखें यानी कुछ लोग मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन ऐसा मूड ऑफ करके रखते हैं कि घर की सारी फजा को अंधेरा कर देते हैं बेहतर है बोल के बता दो तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए पांचवी चीज़ है अपने साथियों के लिए अच्छा होना अब घर से बाहर निकल आया हूं अब दायरा वसी हो गया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने फरमाया खैरबी बेहतर साथी इंदल्ला के नजदीक खैर हम वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर है बखैर उलजीरा इनद्ला खैर हमले जा रही और बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है यानी अल्लाह ताली के नज़दीक ज़्यादा सवाब और अजर हासिल करने वाले कौन हैं अल्लाह के पसंदीदा कौन है जो अपने साथियों के हक़ में ज़्यादा अच्छे हैं बाजुक बराबरी पर आ जाते हैं। मुकाबले पर आ जाते हैं। वो तो मेरे लिए कुछ नहीं करता मैं ही हर वक्त ये करूँ तो आप अगर ज़्यादा अच्छा तो आपका अजर और मक़ाम भी अल्लाह के यहाँ बहुत अचर अच्छा है, अच्छा है। तो मुकाबले पे ना रहा करें जो ताउन कर सकते हैं जो एहसान कर सकते हैं जो एक तकलीफ़ दूर कर सकते हैं जहाँ कहीं काम आ सकते हैं आप काम आते रहें कभी आप उनकी तकलीफ दूर करके कभी आप उनका कोई काम करके कभी उनके घर खाना भेज कर कभी उनके साथ उनकी बीमारी में उनकी इयादत करके नहीं जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो यानी रिश्तेदारी नहीं भी लेकिन फिर भी आप एक दूसरे की केयर करते हैं तो ये भी अल्लाह ताली के नज़दीक बहुत पसंदीदगी की बात है और फिर इसी तरह यह है कि कुरानी मजीद में भी आता है, वल जारिल जुनू भी, है भी बिल जम तो भी बिल जम जो पहलू का साथी है यानी टम्परेरिली आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं जहाज़ में का साथ साथ बैठे हुए हैं या एयरपोर्ट पे कहीं लाउंज में बाज़ो का यह होता है कि आप किसी वेटिंग एरिया में जा एक बेंच शेयर करते हैं तो ऐसी तमाम जगहों पर दूसरों को हेलो हाई कर देना और उनको अपनी प्रेजेंस से कंफर्टेबल करना ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती यानी छोटी छोटी नेकियाँ भी आती हैं और बड़ी बड़ी भी आती हैं फिर इसी तरह मोमिन मोमिन का आईना होता है तो का दूसरे में अगर कोई कमी कमज़ोरी है तो उसको अच्छे तरीके से समझाना भी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन दूसरे का दूसरे मोमिन का भाई है उसके सामान की हिफाजत करता है उसकी गैर मौजूदगी में उसका दिफा करता है यानी अगर वो आपके पास कुछ अमानत रख देता है तो वो उसको वैसे ही वापस लौटाता है और अगर आप मौजूद नहीं और कोई आपकी बुराई करना शुरू कर देता है तो वो आपकी तरफ से सफ़ाई भी पेश करता है नहीं आपको गलत फहमी हुई है उस शख्स के अंदर ये बुराई नहीं है मैं उसके साथ इतने सालों से हूँ या मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ तो ये खैर खाई जो है ये भी बड़ी ज़रूरी है ये भी हुसन सलूक में आता है फिर एक दूसरे की खबर रखना क्योंकि का ऐसा होता है कि हम जिंदगी के एक अरसे में दोस्त होते हैं नेबर्स होते हैं, फिर उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो गए मूविंग हो गई उसके बाद मूविंग हो गई तो उस सूरत में आप देखिए कि फिर क्या होता है कि इंसान भूल जाता है उन लोगों को लेकिन उन्हें भी वक्तन-फवक्तन किसी मौके पर याद कर लेना चाहिए और दूसरे के लिए वही पसंद करना चाहिए जो अपने लिए करते हैं और फिर यह है कि पड़ोसियों के साथ भी हुसन सलूक करते रहना चाहिए जो बिल्कुल साथ के नेबर्स हों या चालीस चालीस घरों तक की बात की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो तो तुम मोमिन हो जाओगे और पड़ोसी को ना सताना जो है ये ईमान की अलामत है हदीस में यह भी आता है अच्छी हमसाय शहरों को आबाद करती है यानी आबादियों का बायस बनती है और उम्र में इजाफ़े का सबब बनती है यानी अगर अच्छा नेबरहुड है तो उससे यानी खुशियाँ मिलती हैं इंसान को और बाज नेबर्स तो बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह हो जाते हैं आप अपने घर की चाबियाँ उनके हवाले कर देते हैं आप उनकी लॉन मूव कर देते हैं आप उनके और कामों में कोई ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो आप उनके लिए करके ले आते हैं यानी बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे के मददगार होते हैं तो ये सारी चीज़ें हसनसलूक में आती हैं छठी चीज़ है बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखिलाक उमदा हूँ ख़ैरना नासी अहसन हम खलुक़न लोगों में से बेहतरीन वो है जो बेहतरीन अखलाक वाला है एक और हदीस में आता है अच्छा अखलाक बेहतरीन नमत है यानी ये सातवां नंबर है माँ खैरु मा ओतीन्नासु या अल्लाह सवाल किया गया कौन सी खैर कौन सी चीज़ सबसे बेहतरीन इंसान को दी गई है कला हसन खलुन हसन अच्छा अखलाक तो खुलुक कहते हैं तबीयत को मुरबत जबिलत आदत ये सारी चीज़ में उसमें आती है और यानी नफ्स की पुख्ता हालत यानी ऐसे काम खुलुक ऐसे कामों को कहते हैं जो बहुत सोच बिचार के बग़ैर आपसे सरजद हो जाते हैं किसी की कोई चीज़ गिरी तो आप सोचेंगे कि नहीं अच्छा उठाऊं कि ना उठा के दूं कि ना मदद करूं कि ना आप आगे बढ़ जाते हैं उठा के दूसरे की मदद कर देते हैं हुं? किसी को सीट ऑफर कर देते हैं किसी के लिए कोई चीज़ आसान कर देते हैं कि रास्ता बना देते हैं तो ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला अख्लाक है जिसमें असल चीज़ शूर है यानि आप आपका शौर कितना ज़िंदा है आप क्या आप, आपकी निगाहें क्या देखती हैं लेकिन याद रखिए इसमें लिमिट रखिए इस इस लिमिट का होना भी बड़ा ज़रूरी है बाजा अवत मदद के नाम पर लोग दूसरों की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं और हद से बढ़ जाते हैं वो चीज़ दुरुस्त नहीं होती तो और फिर ये कि हुसन अखलाक ये नहीं कि कोई आपके साथ हंस बोल के बात करा तो आप भी अच्छे हैं नहीं दिन जिंदगी में इंसान को बहुत बार तल्ख तजुर्बे भी पेश आते हैं आ, लोग आपसे नाराज़ हो के कट ऑफ कर लेते हैं आपसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं कोई कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं किसी शादी में पार्टी में सबको मिलेंगे सबसे अच्छे से लोग और आपको बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे खास तौर पर अगर आप दीन की तरफ आ गए हैं तो फिर थोड़ा आपसे किनारा कशी करना शुरू कर देंगे तो ऐसे मौके पर इंसान के अंदर एक रिएक्शन आता है एक जवाबी गुस्सा आने लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं चले ठीक है ये ऐसे तो ऐसे ही सही तो ऐसे मौके पर अला इंसान वो है जो अपनी अकल से सोचे सिर्फ जज्बात की रोह में बह के रिएक्शन ना करे अकलमंद वो होता है जो अपने असूल सोच समझ के मुतय करता है ठीक है ये उसका अखलाक है लेकिन मेरा अखलाक मुझे कुछ और सिखाता है मुझे दूसरों के साथ अच्छा ही रहना मुझे जताना भी नहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे बाजुकत लोग ये होता है कि दूसरे ने अगर कोई ऐसी हरकत की तो उसको बहुत जताते हैं तुमने ये किया था तुमने वो किया ताने देना एहसास दिलाना उसकी कोताहियों का ये भी दुरुस्त नहीं है तो असल चीज़ यही है कि इंसान अच्छा अखलाक यही है कि इंसान दूसरों के लिए खुशी का बायस बने तकलीफ़ का बायस ना बने कोई जुल्म ज़्यादा का मामला करे तब भी लोगों को माफ़ करना उसे आता हो और दो चीज़ें हैं एक यह है कि कुदरती तौर पर कुछ लोग नरम मिजाज होते हैं अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, हेल्पिंग अप्रोच होती है उनकी वो हर हर चीज़ में आगे बढ़ के और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें एकर करनी पड़ती हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज़ अपने अंदर लानी पड़ती है मशक करनी पड़ती है उसकी सोच विचार करनी पड़ती है हत्ता कि वो कर कर के वो चीज़ फिर आदत का हिस्सा बन जाती है तो कुछ चीज़ें तो आपके अंदर होंगी नेचुरली अल्लाह ने आपके अंदर वो डाल दी लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं हैं और आप देखते हैं दूसरे वो अच्छे अच्छे काम करते तो फिर मेहनत करें उन आदतों पर और अपने अंदर वो लेकर आएं तो बेसिकली उसने अख्लाक क्या है कि दूसरों के साथ अच्छा मामला करना और उनको तकलीफ़ ना देना उन पर सखावत करना उनकी तकलीफों पर सबर करना हंसते हंसते पेश आना यह ईमान की तकमील का हिस्सा है कामिल मोमिन वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हो ये इस्लाम की खूबसूरती है ये अफजल अमल है नमाज रोजे के कायम मकाम है अल्लाह सुबहान तला को निहायत पसंद है इलाजल करीमकर व माललाक व यु बज़ु सफ़साफहाज़बला मेहरबान है मेहरबानी और बुलंद अखलाक को पसंद करता है और उसके घटियापन से नफ़रत करता है क्यामत के दिन नबी सल अल्म का कुर्ब नसीब होगा ऐसे लोगों को जो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं और मीज़ान में सबसे भारी नेकी है और जन्नत में खूबसूरत घरों को मिलने का बायस है अपने लिए दुआ भी करनी चाहिए अल्लाहसन तखलकी वहसन ख़ुल्की खुलुकी अल्लाह तूने तो मेरी सूरत अच्छी बनाई है तो मेरी सीरत भी बहुत अच्छी कर दे दिनिलहसन अखला की लादील आहसन अंता वसर्फ़ अन् सय आश्रफ़ अन सय आंता अल्लाह मुझे अच्छे अख्लाक की हिदायत फ़रमा तेरे सिवा कोई अच्छे अख्लाक की हदायत नहीं देता और बुरे अख्लाक़ को मुझसे दूर कर दे कोई मुझसे बुरे अखलाक दूर करने वाला नहीं यानी कोई मेरी असलाह नहीं कर सकता तू ही मुझे ठीक कर दे आठवीं बात यह है कि बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्र तवील हो और अखलाक बेहतरीन हो यानी लंबे अरसे तक लोगों के काम आए मतलब यह है कि लंबी यानी जितनी भी जिंदगी मिली बुढ़ापे में भी अखलाक अच्छा हो फिर क्योंकि बाद लोग जवानी में अच्छे होते हैं जब थक जाते बीमार हो जाते हैं फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं तो इससे भी बचना चाहिए इसकी इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अब उम्र का तकाजा यही है कि हमारे अंदर ये चेड़चिड़पन आ जाए और उम्र का तकाजा वो है ये जुमले ना दोहराएं ये हम अपने आप को खुद ही लैक यानी कि जस्टिफाई कर रहे होते हैं और अपने आप को सहूलत दे रहे होते हैं आ, ये अपने साथ ज़्यादा है ये अपने अपने साथ ज़्यादी है इस तरह की सोच को पैदा करना और फिर उसके बाद उसको दोहराते रहना यानी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा तो आप बदखलाक हो जाएं आप अपना अंजाम क्यों बुरा करना चाहते हैं सारी ज़िंदगी अच्छा किया है तो आखिरी उम्र भी अच्छे ही रहें नौवीं बात यह है कि ख़ियारम अहासन अखलाकन अलमअुन अकनाफन तुम्हारे बेहतरीन लोग वो हैं जो अखलाक में सबसे अच्छे हों और अपने पहलुओं को झुकाने वाले हों यानी आज भी हम्बल्नेस इनकारी और दूसरों के सामने यानी अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश ना करना यानी दूसरों को बॉस अराउंड जैसे कहते हैं ना वो ना करना फरमाए मोमिन तो फरमा बरदार ऊंट की तरह होता है उसे जहाँ ले जाया जाए चल पड़ता है यानी दूसरों के आसानी से काम आता है एक और हदीस में आता है मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है वो संग दिल और सख्त मिजाज नहीं होता लोगों में से सबसे वो हैं जिनकी फोश कलामी की वजह से लोग उनसे मिलना जुलना छोड़ दें ये हर जगह बदतमीजी करते हैं बद अखलाकी से बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया गया तफज अल कलिक दिल होते बद अख्लाक होते तो ये आपसे भाग जाते तो दीन वालों से भी बाजत लोग इसलिए भाग जाते हैं कि वैसे वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं मस्जिदों का इंतज़ाम कर रहे होते हैं और बहुत खैर सदका खैरात कर रहे होते हैं लेकिन जो मस्जिद में आने वाला उसके साथ बदखलाकी बरतते हैं सफ़े दुरुस्त करवाने से लेकर उनकी हर चीज़ के अंदर बदतमीजी बदतमीजी तो ये कोई दीन नहीं है और सारे अमल अपने बर्बाद करके वहीं चले जाते हैं जब वो लोगों से बदखलाकी करते हैं और लोग उनसे बदजन होकर मस्जिद आना छोड़ देते हैं वो लोगों को भगाने का जरिया बनते हैं तो इससे भी बचना चाहिए तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे कौन है जो उनमें से सबसे ज्यादा नरमी और शफक़त करने वाले हैं लोगों पर दसवीं चीज़ यह है कि बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देख कर अल्लाह याद आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बेहतरीन अफराद वो हैं जिनको देख कर अल्लाह याद आ जाता है यानी जब वो लोगों के सामने आते हैं तो उनको अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में आती है क्योंकि वो अल्लाह की बात करते हैं लोगों को नसीहत करते हैं तो उनकी सोहबत से एक नूर एक रोशनी हासिल होती है और ग़म भूल जाता है इंसान और साहबा की अलामत भी यही थी कि रोहमा उबैई ना आपस में एक दूसरे पे बड़े मेहरबान थे इब्न क़य्यम कहते हैं फ़ायदा पहुंचाने वाला शख्स ही बाबरकत होता है यानी जिससे फ़ायदा मिलता रहे और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है वो सबसे ज़्यादा बाबरकत होती है जो सबसे ज़्यादा फायदा दे वो सबसे ज्यादा बाबरकत और लोगों में से बाबरकत इंसान वो है कि जहां भी वो जाता है उससे फायदा उठाया जाता है लोग उससे फायदा उठाते हैं उसकी बात से उसकी मदद से उसकी खैर से यानी किसी ना किसी तरह फिर इसी तरह वो अच्छे साथी वो होते हैं जो यहां कहीं भी हो जहां कहीं भी हो आपको अल्लाह की याद दिलाएं और फिर ये के ग्यारहवीं बात ये है कि खैरन्नासी अनफ़ा उहमलन्नास लोगों में सबसे अच्छे वो हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देते हैं और फ़ायदे में सिर्फ माल का फ़ायदा नहीं हर एतबार से फ़ायदा इसका दायरा बहुत वसी है चाहे इल्म के ज़रिए चाहे राय देकर चाहे मशवरा दे देकर नसीहत करके के ख़ैर खाही करके अपने मनसब के ज़रिए बााली ने आपको कोई अथॉरिटी दी होती है कोई ख़ास मक़ाम दिया होता है कोई इकतदार दिया होता है तो उसके ज़रिए आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं आ, कोई स्किल है आपके पास कोई हुनर है आपके पास आ, कोई वक्त है आपके पास ताकत और सलाहियत है आपके पास उसके ज़रिए जब आप फ़ायदा हैं तो आप अल्लाह के महबूब बन जाते हैं बारहवीं चीज़ है दूसरों की मदद करना खैर के दरवाज़े हैं रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया हर दिन जिसमें सूरज तुल्लु होता है इब्ने आदम की जान पे सदका लाजम हो जाता है लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारे पास इतना सदका कहाँ से आया कि हम रोज़ सदका करें फरमाया खैर के दरवाजे बहुत से हैं तस्बीह पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना रास्ते से तकलीफ दे चीज दूर करना बहरे को सुनाना नाबीना को रास्ता दिखाना रास्ता पूछने वाले को उसकी रहनुमाई कर देना अपनी पिंडियों की कु्वत के साथ यानी स्ट्रॉन्ग इंसान है आप मजबूर मदद चाहने वाले के लिए दौड़ धूप करना अपने बाजुओं की कु्वत के साथ कमजोरों नातवानों का बोझ उठाना ये सब तुम्हारी तरफ से अपने नफ्स पर सदका है ये अपने लिए फायदे की चीज है और फिर अल्लाह के बंदों को सलाम करना भी सदका है किसी को पानी का घोंट पिला देना भी सदका है किसी के डोल से में पानी डाल देना किसी के गिलास में उंडेल देना किसी को ऑफ़र कर देना मामूली चीज़ें भी ऑफर कर देना जैसे कोई रस्सी की रस्सी देना किसी को जूती का तस्मा देना किसी को पानी खींच के निकाल देना कोई रास्ते से तकलीफ वाली चीज़ हटा देना खंदा पेशानी से किसी से बात कर लेना किसी की वहशत और तनहाई दूर करना यानी ख़ास वो लोग जो बूढ़े हैं तन्हा हैं अकेले हैं उनको कॉल कर लेना या उनके पास चले जाना या उनकी कोई ख़दमत कर देना या उनको कोई मदद दे देना ये सब बेहतरीन अखलाक की आ, अलामत है और ये इंसान के मीज़ान में बहुत भारी नेकियाँ हैं तेरहवीं चीज़ है अपने भाई की मदद करना ये बेहतरीन अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल आमाल ये हैं तुम अपने भाई को खुश कर दो या उसका कर्जा अदा कर दो या उसको रोटी खिला दो एमा अवतमा खुफ़न ख़ुब का लफ्ज़ आ रहा है ब्रेड यानी यह भी एक नेकी का काम है किसी के लिए रोटी पका देना जैसे हज़रत आशा रोटी नहीं पका सकती थी तो उनकी अनसार साथी जो होती थी वो उनके लिए आटा यानी आटा वो गूंद लेती थी लेकिन रोटी वो बना देती थी तो ये बहुत से कल्चर्स में ऐसा होता है कि किसी को बेकिंग आती है किसी को कोई और काम आता है तो मिलजुल के हमसाय एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं तो इस्लामी माशरा वही माशरा होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ नेकी के कामों में ताउन करने वाले होते हैं एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं इनडिफरेंट नहीं होते दूसरों को खुशियाँ देने वाले होते हैं दूसरों के गम दूर करने वाले होते हैं दूसरों की मदद में खिदमत में लगे रहते हैं क्योंकि जो किसी की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद में होता है और जो किसी का दुनिया से एक दुख दूर कर देगा अल्लाह तला के आमद के दिन उसके दुख एक दुख दूर कर देंगे और जो किसी की जरूरत पूरी ना करे उसके लिए वहीद भी आई है नाबीना नाबीना को अगर कोई गलत रस्ते पर डाल दे तो उस पर लानत की गई है इसी तरह ज़रूरतमंद की कबर जरूरतमंद की मदद ना करने पर कबर में अजाब भी दिखाया गया एक शख्स के ऊपर जब कबर में कोड़ा बरसाया गया तो उसने कहा कि ये क्या वजह है मेरे साथ ये क्यों हुआ है तो उसने उसको बताया गया कि तुम एक मज़लूम के पास से गुजरे थे और उसकी मदद नहीं की यानी तुम्हारे अंदर ताकत थी मदद करने की लेकिन तुमने नहीं की एक तो ऐसा ना हमारे बस में कुछ नहीं होता सिवाय ज़बान की बातों के जैसे फ़लस्तीनियों की मदद और दूसरे मजलूमों की मदद आम तौर पर मुसलमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करते हैं यानी सिर्फ चंद बातें बोल देते हैं और समझते हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया तो ठीक है अदना तन तरीन, तरीन बात यह भी हो सकती है लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा ऐसा मकाम दिया है कि आप उससे आगे बढ़ के कर सकते हैं तो फिर आपको उस उस उससे फ़ायदा उठाना चाहिए फोटीथ चौथवीं बात आज के बेहतरीन अखलाक में से है खाना खिलाने और सलाम का जवाब देने की नेकी नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो खाना खिलाते हैं और सलाम का जवाब देते हैं यानी दूसरों की खातर मदारत करते हैं और दूसरों को दूसरों के काम आते हैं और सलाम करते हैं यानी अच्छा अखलाक भी होता है बाजू अकत हम किसी के साथ नेकी करते हैं लेकिन फिर उसके साथ रवैया बड़ा कोल्ड रख लेते हैं कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं तो इससे भी बचना चाहिए वो कहते हैं न मानुत एमकुमल व तो झिल्ला हल्ला के चेहरे की खातिर खिलाते हैं ला नीद उमिन जजा अम वाला शिकूरा हतीबानी का गोश्त भी उसके लिए भी क्या है फ़कुल व अतमास्ल फ़कीर खुद भी उसमें से खाओ तंग दस मोहताज को भी खिलाओ और एक और आयत में आता है फकुल मिन व अत इमकान वोतर उसमें से खुद भी खाओ और कनात करने वाले को भी खिलाओ और मांगने वाले को नहीं गरीब को भी और जो तुमसे नहीं मांग रहे कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं उनको भी दो और फिर ये कि मामूली चीज़ें बाजो कहती है कि आप पूरा डिनर कुक नहीं कर सकते किसी के लिए लेकिन आप मामूली चीज़ भी किसी को खिलाते हैं तो उस पर भी अजर है सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मुसलमान ये ख्याल करते थे कि कलील चीज़ देने पे उनको अजर नहीं तो जब उनके दरवाजे पर मिसकीन आ जाता तो वो खजूर देने या रोटी का टुकड़ा देने या अखरोट वग़ैरह देने को कलील समझते थे कि इतनी छोटी चीज़ हम दें आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई देने की चीज़ है तो वो साइल को वापस कर देते और कहते कि हमारे पास कुछ नहीं हमें सिर्फ उसी चीज़ के सदका देने पर अजर दिया जाता है जो हम खुद पसंद करते हैं तो अल्लाह ताला का ये फरमान नाजिल हुआ ज़र्रे बराबर भी नेकी करेगा उसको भी देख लेगा तो, तो आप देखिए एक तरफ यह है ना कि जो खुद को पसंद है वही दूसरे के लिए पसंद करो लेकिन बाजूकात मुमकिन नहीं होता इतनी गुंजाइश नहीं होती तो फिर जर्रे जितनी नेकी भी किसी के साथ कर सकते हो तो कर लो इसी तरह दूसरे को अपने खाने में शामिल करने से अपने खाने में भी बरकत हो जाती है फिर सलाम का जवाब देना फ़र्ज भी है ये सिर्फ़ नेकी नहीं फ़र्ज के दर्जे में है और तो मुसलमान का हक भी है और बेहतर जवाब दिया जाए रवैये के अतबार से भी और अल्फाज के अतबार से भी और जो किसी के सलाम का जवाब नहीं देता उसको हार डिस नहीं होना चाहिए फरिश्ते उसका जवाब देते हैं और जो सलाम का जवाब नहीं देता शैतान उसके साथ होता है शैतान उसको जवाब देता है नंबर फिफ्टीन है तो बेहतरीन शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद हो और उसके शर से अमन हो आपको पता है कि इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी होता ना बा अगत आप किसी को देखते हैं कोई आपके पास आता है तो आप कहते हैं इसका आना खैर सलामती का है तो कोई फिक्र की बात नहीं है और सबसे बदतर वो है जिससे खैर की तो ना हो और उसके शर से अमन ना हो तो नबी वसल्लम लोगों को हमेशा अच्छी बात की तालीम देते थे उमदगी से तालीम देते थे और कर, एक दफ़ा लोगों के पास से आप गुजर रहे थे लोग बैठे हुए थे आपने रुक के फरमाया अल्लाकबरकुम बिखैर मिन शर्रकुमुम कुम मिन कुम, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों का फ़र्क ना बताऊँ जो यानी कि अपने लिए भी खैर का बायस और दूसरों के लिए भी और फिर आपने यही बताया कि जिस शख्स को से नेकी की तो रखी जाए तो बात यही है कि बेहतरीन इंसान वही है कि जो दूसरों को दूसरों के लिए आसानियाँ करते हैं और बदतरीन इंसान वो है जिसके शर से बचने के लिए लोग उसको छोड़ देते हैं और सिक्सटीन और आखिरी बात ये आज के लेक्चर की कि बेहतरीन लोग वो हैं जो साफ दिल के और सच्ची जबान वाले हों साफ दिल वाले और सच्ची जबान वाले आप से कहा गया अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे अफजल कौन है आपने फरमाया साफ़ दिल वाला और जबान का सच्चा लोगों ने कहा हम जबान के सच्चे को तो पहचानते लेकिन साफ़ दिल कौन है फरमाया परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में ना हो ना बगावत न खयानत ना, ना हसद यानी दिल भी अच्छा जबान भी अच्छी अतकी नकी दिल जो जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा है तो उसमें कीमती चीज़ें रखनी चाहिए रद्दी नहीं भरनी चाहिए हसद बोहज और नफरत और बुरे ख्याल और वसवु से इनको बाहर निकाल दें अल्लाह बंदों को उनके दिल की बिना पे चुनता है आपको अगर कोई नेकी का मौका मिल रहा है तो ये जहाँ अल्लाह की दी हुई तोफ़ीक है वहाँ देखा जा रहा है कि ये इस नकी को उठाने के काबिल भी है या नहीं अल्लाह ताला हमारी शक्ल सूरत नहीं देखता हमारे जाहिर को नहीं देखता हमारे घर बार माल नहीं देखता बल्कि हमारे दिल देखता है और हमारे आमाल देखता है और ईमान की दुरुस्तगी का इन्सार दिल की दुरुस्तगी पर है और जबान की दुरुस्तगी पर, और परमत के दिन कल्ब सलीम वाले को ही निजात मिलेगी योम वन कल बन सलीम और जिस दिल में हसद बोग और तकबर हो वो सलामत दिल वाला नहीं होता तो सलामत दिल का फ़ायदा क्या है जिसका दिल साफ हो आईने की तरह साफ हो ऐसा शख्स खैर और शर का फ़र्क बड़ी जल्दी पहचान लेता है उससे नेकी और राहत नेकी और इताद के कामों में राहत मिलती है उसको जबान और आजा की सलामती मिलती है कम अमल पर भी ज्यादा अजर मिल जाता है क्योंकि उसकी बहुत अच्छी होती याद होगा पहले दिन के लक्षण में आपको तीन चीजें बताई थी कि कैफियत जबान और मकान के एतबार से अमाल की दर्जा बंदी होती है तो दिल दिल के अच्छे जज्बे शौक मोहब्बत से कोई काम करेंगे उसका अजर कहीं ऊंचा चला जाएगा और मारे बंधे बस ड्यूटी पूरी कर रहे हैं तो फिर वो और अजर वाला मिल तो जाएगा अजर लेकिन उसका अचर कम होगा तो जो भी नेक काम करे शौक से करे और सच्ची ज़बान तो फिर सच्ची ही है क्योंकि झूठ तो मुनाफ्त की अलामत है और मजाक में भी झूठ की ममानत है तो हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को अच्छा कर दे अल्लाह महदल्बी वसद लिस वसलमतकलबी अल्ला मेरे दिल को हिदायत दे दे मेरी ज़बान को दुरुस्त कर दे और मेरे दिल के कीने को दूर कर दे अल्लाहुम्मा इन्नी अदी का मिनशर्र समई व मुन्न बसर विनशर लिसानी व मुन्र कल्बी व अल्लाहुम्मा मुनशर्र मनि अल्ला असलुकफ़िल अमर व आज़ीमतअरुश्त وأسألك موجبات رحمتك وأزايم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن إبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. अल्लाह सुबहान हमें बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन आमाल की तौफीक अता फरमाए कल इनशा हमारे इस प्रोग्राम की तकमील हो जाएगी नज़ुल्हजा के जितने भी प्रोग्राम थे उनके सिलसिले में इन श्ला कल आखिरी प्रोग्राम होगा तो अल्लाह सुबहान तआला आपकी इस मेहनत कोशिश को कबूल करे के मुसलसल आते रहे हैं अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया अल्लाह हमें उस पर अमल की तोफ़ी का तरमाए वाह आखर उदावाना आने रब्बिल आलमीन आप अगर कुछ शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम जजाकल्ला खीर जी बहुत ही अच्छा माशाल्लाह सा जामे सारे पॉइंट्स माशाल्लाह लिखे जाबिर बिन अब्दुल्ला की बात आ रही थी तो मुझे वो याद आ रहे थे कि उनकी नौ बहनें थीं और जब वो शादी करने लगे तो वो ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे कि वो जा आके उन सब की खिदमत करें तो जो ससुराल की खिदमत है उनका बहुत अच्छा ये आ, उन, उन, उनसे पता चलता है उनकी हादी से कि वो यही चाहते थे कि मुझे मेरी कोई ऐसी वाइफ हो जो कि उम्र रसीदा हो जरा बड़ी उम्र की हो ताकि वो सब केयर स... करें जी, टेक उनका ख्याल करें, ख्याल करें। कलाश नहीं टेक छोटी थी तो उनको ऊपर कोई बड़ा ऐसा होना चाहिए दूसरी बात कि मेरे ससुर की मुझे बात याद आई थी कि जब मेरी नई 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 शादी हुई तो वो बहुत अच्छी बात करते थे बार बार के समझाने का एक तरीका होता है कहते थे पाँच उंगलियाँ ना उसमें से अगर एक उंगली ख़राब है तो आप उंगली काट नहीं देते बिल्कुल आप उंगली का साथ रख के हाथ से काम करते हैं तो ये चीज़ मेरे माइंड में इतनी बैठ गई थी कि कोई चीज़ कोई भी बुरा लग रहा है बहुत सारे रिश्ते होते हैं कोई छोटी उंगली है कोई बड़ी उंगली है लेकिन सारे हाथ पूरा मिलके काम करता है जैसाक खाई जजाकला खैर उस्ताजा जी जितनी बहनें इधर आई और जो हमारे साथ डिफरेंट ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करती रही और रिचमंड हिल वाली बहनों की तरफ से सलाम भी है और वो उन्होंने फाइनेंशियली भी हमेशा साथ दिया और अब भी उन्होंने बहुत शुक्रिया किया कि हमने उनको याद रखा उनको याद करवाया और फिर उनको शामिल रखा इसी तरह और ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने ये पैगाम पे जो आया है शुक्रिया वालेकुम वो मैं बताना चाह रही थी जैसे आपने अभी बताया था कि पेरेंट्स होते हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और सब तो जिनके पेरेंट्स छोटी एज में चले जाते हैं तो जैसे मेरी अम्मी तो मैं छोटी थी चली गई थी ना तो उसके बाद जब शादी हो जाती है तो सास ससुर जो घर में होते हैं तो आप उनके साथ भी उसी तरह से ही पेश आना चाहिए ना जैसे अपने पेरेंट्स तो माँ तो थी नहीं तो माँ की तरह मैंने अपनी सास को और टेक केयर की उनकी माशाल्लाह तो वो मेरी बहुत बहुत मेरी ख्याल है माँ की मोहब्बत नहीं देखी थी लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार दिया तो बड़ी ग्रेट औरत थी और दूसरा ही कि वो उनके अकीदे बिल्कुल डिफरेंट थे ना लेकिन जब आपने कहा है ना कि जब तुम आओ ससुराल में सम टाइम वो डिफरेंट होता है तुम उसी तरह से बन जाओ तो ये सारा हम बताते थे आपके लेक्चर सुनती थी तो वो कहती थी तुम हर वक्त ये लगाती हो मुझे डर लगता है इनकी आवाज़ बात सुन के तो बाद में मुझे कहने लगी नहीं बहुत अच्छा इनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और तुमसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत प्यारी थी अल्लाह ताला उनकी مغفرت فرمائے अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया जो हदीसों के हिसाब से मां-बाप के साथ बदसलूकी करने और उनके बारे में जो हदीसें हैं अगर हो सके तो तैमिया के थ्रू यहाँ पे वो इस तरह छोटा सा एक बना के ना अपनी साइट पे डालें या लोगों को भेजें ताकि जो जिनके बच्चे उर्दू नहीं समझते और उनको थोड़ी सी मुख्तर उस हदीस के थ्रू बच्चों को हम भेज दें क्योंकि बाद दफ़ा हम बाप बोलते हैं तो बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि आप हमें ये क्यों कह रही हैं ये क्यों कह रही हैं तो किसी और की किस आवाज़ में या किसी हदीसों के हिसाब से तो इन बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जिनके बच्चों को ये फ़ायदा होगा जज़ाकअल्लाह खैर वैसे ये सारी सीरीज़ जो है वो इंग्लिश में भी हो रही है साथ साथ। मेरा मकसद है कि थोड़ा सा मुख्तसर जैसे आपके एक दफ़ा सौ हदीसों में छोटे छोटे आते थे तीन मिनट के चार मिनट के हदीस के साथ इस टाइप का कुछ होना चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली जजाक खैर और कोई शाला जजाक ख़ैर उसताजा जी बस मुझे एक बात बहुत ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ भी हो रही थी कि जब हम ये सारी अहदीस वाले के हकूक़ के बारे में पढ़ते हैं ना तो हम अपने हकूक़ के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया तो फिर कई दफ़ा हम बच्चों को अपनी पोजेशन अपने स्लेव्स की तरह से डील करने लग जाते हैं तो ये मुझे बस करना था अभी जैसे आप ही ने फरमाया कि जब वो छोटे होते हैं तो हम उनका कितना ख़्याल करते हैं उनको अपने पे तरजीह देते हैं अपना खाना खुद नहीं माँ खाएगी उसके लिए रख देगी लेकिन जैसे ही फिर शादियाँ होती हैं या वो बड़े होते हैं तो वो सारी तरजीह हाथ बदल जाती हैं फिर हम उनको खुश देखते हुए हम इतने खुश नहीं हो रहे होते वक्त फिर हम बहुत ज़्यादा अपने ये सारे हकूक जो हैं वो उनपे जताने लग जाते हैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बैलेंस यू नो बीइंग पेरेंट्स और बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देनी बिल्कुण। चाहिए बिल्कुण। अगर वो कहीं मूव आउट होने की बात करते हैं तो उस पर रोना धोना घर में हो गया और ये सब ना तो मुझे एक तो ये बात थी और दूसरे ये कि जी जो आपने पहले फरमाया ना कि अगर घर का माहौल सही नहीं रखा हो आपने घर वालों के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है आप दीन की खिदमत करें तो वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है जब जिन जो लोग आपको ज़ाती तौर पर जान भी रहे हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है तो फिर आपकी बात में असर नहीं रहता तो ये बस दो बातें भी करना चाहिए जी आप भी। उसमक ये ओल्ड एज का मामला भी अजीब है और बिल्कुल फित्री है बहुत दफ़ा ओल्ड एज सेंटर्स जाने का इतफ़ाक़ हुआ तो उसमें कोई ये नहीं कि कोई मुस्लिमी ख़ातून के वो मसाइल हों जब उनसे मिले खुशी खुशी बहुत पहले गए थे जब इतने हम बूढ़े नहीं थे जैसे अब हैं तो खैर चल गया काम तो वो बहुत खुश हुई और उनसे बताया कि हम तो जो मुसलमान उनके पास करीब औरत थी तो मैं उसको हम बता रहे थे कि हम जा रहे हैं उम्रा करने तो वो दुआओं के लिए कह रही थी तो बराबर में कोई नॉन मुस्लिम उसकी आँखों की चमक आज तक भूलती नहीं कि उसकी आंखें चमक के उठी हमारी तरफ और कहने की हमारे लिए भी इंग्लिश में बोली कि हमारे लिए भी वहाँ पर मुकदस जगह दुआ करना उनकी तन्हाई उनकी सारी चीज़ें एक सी होती हैं वो बूढ़ों की कोई फ़र्क नहीं है और अजीब उनकी चमक थी हो सकता है बहुत कोई आता ही ना हो लेकिन वो तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो बस मेरी उंगली पकड़ें और साथ चली चलें वहाँ पे इतना खुश होते हैं लोग ओल्ड एज में जब मुलाकात करने जाओ और वो चाहते नहीं हैं कि अब तुम छोड़ के जाओ आपको कुछ न अच्छा हाँ दीजिए जजाकल्ल खैरन क़सीर उसताज़ा जी माशा आज का लेक्चर भी बहुत ही खूबसूरत था मैं ये सोच रही थी कि ऊपर के जो पंद्रह पॉइंट्स थे और आखिरी में ये सोलहवा पॉइंट था ये आपस में इतने इंटरलिंक्ड हैं और अल्लाह मैं ये भी सोच रही थी कि ये जो सोलहवा पॉइंट है यही मेन चीज़ है कि अगर दिल साफ़ हो और जबान सच्ची हो तो वो सारे काम इंसान को करना जो है वो आसान हो जाते और फिर वो तमाम काम जो सारे मैंशन हुए आज एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि हम अपनी यूथ के अंदर ये देखते हैं ना कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है तो मैंने बच्चों के अंदर देखा है कि जब हम उनको इन सारे कामों को करने पर उभारते हैं तो उनके अंदर एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस आने लगता है तो वाकई बच्चों को हमें इन चीज़ों के ऊपर बार बार तल्कन करनी चाहिए और ख़ुद भी करके दिखाएँ और फिर उनसे भी करवाएँ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى